रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। 29 अप्रैल को आज कलवा मुमरा व्यापारी संगठन अध्यक्ष रिजवान अहमद शेख ने गुलाब पार्क मार्केट में आज इफ्तारी का इंतजाम किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि रमजान में दूर दराज से शॉपिंग के लिए आने वाले रोजेदार को वापस जाने पर रोजा बाहर खोलना पड़ता था, इसको देखते हुए गुलाब पार्क मार्केट में इफ्तार का आयोजन किया। वहीं उन्होंने बताया कि गुलाब पार्क मार्केट में चांद रात तक इफ्तारी का इंतजाम किया जाएगा। आइए जानते हैं इस मौके पर रिजवान अहमद शेख ने क्या कहा। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आज यहाँ पे गुलाब पार्क मार्केट में अफ्तारी का यहाँ पे इंतजाम किया, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं आपको बताया हुसैन भाई, ये गुलाब पार्क मार्केट सिर्फ मुमरा की मार्केट नहीं है, हमारी पहले भी वीडियो में मैंने ये चीज़ें बता चुका हूँ। यहाँ पर दूर दूर से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं और कुछ रोज़े से रहते हैं लोग, तो अपने घरों को पहुँच नहीं पाते हैं। उस सिलसिले को देखते हुए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई दिन से यहाँ पर इंतज़ाम चल रहा था इफ्तारी का, और इंशाल्लाह आगे भी चांद रात तक जारी रहेगा ये हमारा प्रोग्राम। शाम को जो लोग यहाँ पर इफ्तारी के मतलब अपने घरों पर नहीं जा सकते हैं, उनका इंतज़ाम मैं यहीं पे करवाता हूँ मार्केट में। इसके पहले हम पीछे वाली गली जो अपनी अब्दुल्ला पटेल वाली है, वहाँ पर भी हम लोगों ने सब मिलकर किए थे इफ्तारी का इंतज़ाम, और अब थोड़ा ज़्यादा हो गया करके नज़दीक दिन आ गया है, तो मैं अपनी ये बुरखा गली में गुलाब पार्क मार्केट में यहाँ पर भी इंतज़ाम किया हूँ इफ्तारी का, और इंशाल्लाह चांद रात तक ये काम जारी रहेगा इफ्तारी का।